Namaste, I am Sunanda Shetty. Welcome back to my channel, Suraj Shorthand Academy. आज मैं special words बताने वाली हूँ. उसमें one is name of the months and name of the weeks. First मैं name of the weeks बताऊंगी, बाद में name of the months. Name of the weeks में first आएगा Sunday, Monday. आपको तो ये सब याद है. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. अभी कैसा लिखना है देखिए, ये वर्ड आया हुआ है, एसएल कल पहला यूज किया, बाकी सब एज इट इज. संडे, मंडे भी आया हुआ है, मना डे. ट्यूजडे थ्रू द लाइन. नेम ऑफ द वीक्स में संडे, मंडे, ट्यूजडे थ्रू द लाइन, वेडनेसडे, वेंसडे. थर्सडे के लिए ये हमने सीखा नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स करके सीख सकते हैं. थर्सडे ये थर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा. फ्राइडे दिस ऑल्सो फ्राइड, छोटा सा हुक आएगा, इतना बड़ा भी नहीं. फ्राइडे डे. सैटरडे सैटरडे, ये सैट हो गया सैटरडे. ये हो गया नेम ऑफ द वीक्स. देखिए शुरुआत में एस है, सर्कल आ गया सन डे. मंडे के लिए मच साउंड आ गया मंडे. ट्यूसडे के लिए यू डिप्थोंग आ गया थ्रू द लाइन एंड डी जॉइंट. ट्यूसडे बिटवीन टी डी ए सर्कल विल कम. वेडनेसडे के लिए डी इज नॉट नेसेसरी, डब्ल्यू एन ए सर्कल डी आएगा. थर्सडे के लिए थरा करके वन हुक आएगा, थरा ए सर्कल डी. फ्राइडे के लिए फरा करके एक हुक आएगा, वो आगे का लेसन में एक्सप्लेन करूंगी. सैटरडे ए वर्ड बिगिनिंग में ए सर्कल है, देन सैट इज देयर सो अबव द लाइन एंड अपवर्ड आर डी. ये सब प्रैक्टिस करने से आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा. नेम ऑफ द मंथ्स बिगिनिंग से जनवरी टू दिसंबर बताऊंगी. अभी जनवरी में इतना स्पेलिंग है, लेकिन हम लोग शॉर्ट हैंड में ओनली जे एन ओवर. जे ऑल्सो लाइट, एन ऑल्सो लाइट, इसमें अपर डार वाई कुछ भी नहीं आएगा. फेब्रुवरी में एकदम शॉर्ट टाइप एफ एंड बी, यहाँ भी आर का वाई का कोई भी स्ट्रोक का जरूरत नहीं है, वोवेल का भी जरूरत नहीं है. मार्च एम अबव द लाइन आर, इसमें आएगा मार्च. चाहिए तो आप वर्ड डॉट लिख सकता है, मालूम पड़ा तो डॉट का भी जरूरत नहीं है. अप्रैल में पर अभी तक सिखाया नहीं है, लेकिन अप्रैल लिखना इतना ही है, पर ए ए हो गया, एल हो गया. मई अप्रैल मई, मई के लिए ऑन द लाइन. जून इसके लिए भी एन हुक अलग आने वाला है, पहले हम लोग जे एन लिखता था, अभी आगे पोर्शन में थोड़ा चेंजेस है. इसको जून. जुलाई के लिए थ्रू द लाइन, ये जूल हो गया और ये डॉट दिया तो जूली हो गया, आई दिया तो जुलाई हो गया. और अगस्त, अगस्त के लिए ओनली जी आएगा और एस हमने सीखा है, अगस्त के लिए एस टी लूप आएगा. अगस्त ये भी आगे का पोर्शन में बताऊंगी. सितंबर, सितंबर के लिए सेप्ट छोटा हो गया, एम बड़ा हो गया. आगे एक्सप्लेन करूंगी ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा. अभी बहुत जन को इंटरेस्ट रहता है, ये कैसा लिखना, वो कैसा लिखना, ट्राई करता है ना, वो हिसाब से मैं एक्स्ट्रा स्पेशल वर्ड्स दिखाया. अक्टूबर, अक्टूबर में के छोटा होएगा, बड़ा आएगा, ये हो गया अक्टूबर. और एक बार लिखो अक्टूबर, बड़ा क्लियर दिखता नहीं है, ठीक है, के छोटा बड़ा आएगा, र हुक आएगा. नवंबर में ओनली एन एंड वी, वेरी सिंपल एन एंड वी. दिसंबर में डी आएगा, एस आएगा, एम बड़ा होने से अंबरा भी उसमें आ गया. इतना इंटरेस्टिंग है, इसके लिए ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. स्पेशल वर्ड्स का वीडियो मैं सेकेंड टाइम ले रही हूँ,
और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए, हाँ लाइक भी कीजिए, और कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग हाउ टू टेक डिक्टेशन, डिक्टेशन कैसा होता है, वो सब साउंड का ऊपर रहता है। टीचर ने कैसा डिक्टेशन दिया, वन वर्ड आगे रहेगा और आप थोड़ा स्लो रहेंगे, लेकिन वन वर्ड आगे रहने से आप कोई भी वर्ड्स भूलना नहीं है, कंसंट्रेशन रख के डिक्टेशन लेना है। और बीच बीच में डैश आ गया तो मैं साथ में वर्ड्स रीड करूँगी, और क्वेश्चंस भी एक साइड में दिया हुआ है, वो देखकर आपने जो भी मिस्टेक है उसको क्लियर कर सकता है। और प्रैक्टिस 10 टाइम होने के बाद मैं जो डिक्टेशन दिया है वो आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। प्रैक्टिस से पहले आपको मेरा डिक्टेशन जमेगा नहीं है, फास्ट होएगा। और क्या होता है, क्लास में है तो हम लोग आप लिखते वक्त आप वर्ड्स लिखा है क्या नहीं ध्यान देता है, ऑनलाइन क्लास में आप वर्ड्स लिखा है क्या नहीं समझता नहीं है, इसलिए हम लोग स्लो दे रहा है। और आप अच्छा से प्रैक्टिस किया है तो आपको मेरा डिक्टेशन स्लो नहीं होगा, करेक्ट स्पीड रहेगा, ये आप याद रखिए। आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इफ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियो प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।